दिल्ली में 12 मई को वोट डाला जाएगा। हमारे साथ इस समय कुछ युवा मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डालेंगे और क्या ऐसी अपेक्षाएं रहेंगी उनकी आने वाली सरकार से जो वो चाहेंगे कि वो पूरी हो। किन सबसे पहले किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? सबसे पहले तो अपना जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, देश अपना विकास की ओर जाए, डेवलपमेंट, और जो एक जमीनी स्तर पर काम हो रहा है, स्वच्छ भारत अभियान सबसे बेस्ट, आयुष्मान योजना सबसे बेस्ट, और इन मुद्दों पे युवाओं का भी रुझान है, पार्टी की बीजेपी की साइड में बहुत ज़्यादा रुझान है, और सभी लोग चाहते हैं कि एक मजबूत सरकार आनी चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो बिना किसी के दबाव के, बिना किसी के प्रेशर के एक अपना एक अच्छा डिसीजन ले सके और डिसीजन को काम भी हो सके। GST, अभी आपने देखा GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या हुआ कि अपने देश में 1,13,000 करोड़ रुपया जो कभी टैक्स कलेक्ट नहीं होता था वो कलेक्ट हुआ, उसी से कलेक्ट हुआ। और भी वन रैंक वन पेंशन चल रही है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। आपने देखा 10 सालों में UPI गवर्नमेंट ने सिर्फ 25 लाख ऐसे घर बनाए हैं, जो मात्र 25 लाख, और अपने यहाँ BJP गवर्नमेंट ने क्या किया, 1.5 करोड़ घर पूरे देश में बना चुके हैं। क्या आपको लगता है जो बेरोज़गारी का मुद्दा है वो एक बड़ा इशू है इस देश के लिए? हाँ, बेरोज़गारी का मुद्दा एक इशू है, बड़ा मुद्दा है, पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत उसको भी युवाओं को रोज़गार देने का काम किया जा रहा है, सरकार वो काम कर रही है। 10 लाख करोड़ से ऊपर तक का लोन मुद्रा योजना में दिया जा चुका है, उसमें सब लोग अपना कोई स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम चल रहा है और सब अपना कुछ भी जैसे रोज़गार करना चाहते हैं, कोई दुकान, कोई शॉप, कुछ भी करके वो कर रहे हैं। बात करें अगर दिल्ली की, तो जो सांसद है आपको क्या लगता है कि क्या काम है सांसद का और वो पूरे हुए हैं आपके एरिया में अगर बात की जाए तो? सांसद के तौर पर अगर किसी को देखा जाए तो जिस तरीके से सांसद का काम होना चाहिए वो उस तरीके से काम नहीं करते हैं जिस तरीके से काम उनको करना चाहिए, नहीं लगता। जैसे कि आप सफाई के लिए ऊपर देख लीजिए, पिछले साल जो सफाई के लिए दिल्ली के अंदर हर जगह पे कूड़ा था वो सांसदों का काम था कि उनको उस तरीके से उस जगह से साफ़ करवाना, पर उनका नहीं, उन्होंने कुछ भी ऐसा साफ़ नहीं करवाया कि साफ़ करवा दें। ये जब इलेक्शन आए तब सांसद बाहर आए, जब सांसद घर में बैठे थे तब कूड़ा बिखरा हुआ था हर जगह पर। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप अपना वोट डालेंगे आने वाली 12 तारीख को? सबसे महत्वपूर्ण कोई एक मुद्दा जिसको लेकर आप चाहेंगे कि मेरा नेता ये काम करे? हमारा नेता जो काम करेगा सबसे पहले ये कि अपने काम को लेकर के थोड़ी जागरूकता दिखाए कि मुझे क्या काम करने चाहिए अपनी जनता के लिए, बस। परसों जो है दिल्ली में चुनाव है, मतदान डाला जाएगा, तो क्या आपके महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप अपना मत डालेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि महंगाई का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, दूसरा बेरोजगारी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकारें तो बहुत सी आई और चली जाती हैं, और जो सरकार अब बनेगी तो हम उनसे यही चाहेंगे कि जो भी इसमें लोकसभा में चुनकर जाएगा कि एक तो बेरोजगारी ख़त्म हो, दूसरा महंगाई ख़त्म हो, तीसरा ये हो महिलाओं की सुरक्षा हो, क्योंकि पहले भी कहते थे कि महिलाओं की सुरक्षा की जाएगी, सुरक्षा की जाएगी, लेकिन अभी तक तो ऐसी महिलाओं की सुरक्षा नहीं की गई है। आए दिन रेप की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती हैं और लूटपाट भी सरेआम होती रहती है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पालिका बाजार है, जबकि यहाँ पर हर समय रास्ता चलता रहता है, तो यहाँ पर ही झपट मारों ने एक लेडीज की चैन छीन कर ले गए। तो हमारे इसमें दिल्ली में जो लुटेरे हैं वो बिल्कुल बेखौफ होकर घूमते हैं और एक चोरी छीना झपटी को बड़ी आसानी से अंजाम देकर भाग जाते हैं। मौजूदा सरकार में आपको लगता है कि महिला की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? अभी तो नहीं दिया गया, लेकिन अब जो ये चुनकर पहुँचेंगे अब देखते हैं क्या करेंगे। तो हम तो अगर महिलाओं के, सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा है, क्योंकि हम सुरक्षित हैं तो तभी देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि महिला एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जिसने पुरुष को भी वही जन्म देती है, और जब पुरुष उनके साथ में ऐसा करते हैं तो उस टाइम लगता है कि हमारी इस धरती पर बहुत बड़ा बोझ हो गया है और ये किस तरह ख़त्म हो। ये सरकार ही हमारी सुरक्षा कर सकती है, हमारा जो पुलिस में है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भर्ती की जाए,
और पीसीआर की गाड़ी भी बढ़ाई जाए ताकि कहीं भी घटना घटे तो तुरंत मौके पर पहुंच सके। परसों दिल्ली में चुनाव है, हाँ। क्या आपके स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर आप अपना वोट डालेंगे? कि जी हम इसलिए मुद्दे सहमत हैं कि जी हमारे कॉलोनियों में बिल्कुल एक तो गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है और दूसरी बार नाले साफ़ नहीं रहती, इतनी बास मारती, दुनिया भर घरों में इतनी गंदगी फैलती है कि लोग बीमार होते हैं तो कहाँ जाएंगे वो, और दूसरी बात किसी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है, इतनी हर तक गुंडागर्दी हर चीज़ की होती है, कोई मतलब सुविधा है ही नहीं, इसी चीज़ में हम बहुत परेशान है पब्लिक। तो क्या अपेक्षा करेंगे आप अपने सांसद से जिसको आप चुनेंगे? हाँ बिल्कुल, कि इन चीज़ों पे वो ध्यान दें और इन समस्याओं को दूर करें। बिल्कुल दूर करें जी, बिल्कुल हम चाहते हैं ये चीज़। पहले ठीक है आप बताना साउथ दिल्ली, आप किस संसदीय क्षेत्र से? मेरा साउथ दिल्ली है। साउथ दिल्ली, तो साउथ दिल्ली के क्या ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर आप अपना वोट कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरा साफ सफाई नहीं होती है, बारिश में पानी भर जाता है हमारे इधर, सीवर थोड़े ख़राब ही हैं हमारे इधर से, और पार्किंग इश्यूज बहुत हैं, लोग कहीं भी गाड़ी खड़ी कर जाते हैं अपनी और 5 मिनट बोल के चले जाते हैं फिर आते नहीं हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, बाकी बेरोज़गारी का इशू है सबसे ज़्यादा, क्योंकि लोगों के पास नौकरी नहीं है, खाली टाइम में वो रोड पर रहते हैं। शिक्षा की बात करें तो आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने सरकारी स्कूलों को बहुत अच्छा डेवलप कर दिया है, क्या आप सहमत हैं इस चीज़ से? देखिए शिक्षा के मामले में मैं यही कहूँगा कि थोड़ी फीस ही ज़्यादा है, बाकी शिक्षा तो अच्छी है दिल्ली की, और स्टेट से कंपेयर करें तो दिल्ली में तो सबसे सही शिक्षा मिलती है। जो दिल्ली सरकार है अरविंद केजरीवाल की, वो लगातार इस बात पे जोर दे रही है कि अगर वो पूर्ण राज्य दिल्ली को बना लें तो और ज़्यादा बेहतर वो दिल्ली का नक्शा बना सकते हैं, कर सकते हैं, क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? पूर्ण राज्य से कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए कोई भी पार्टी आ जाए उसमें जैसे पूर्ण होता है, जैसे बहुमत आती है तो कोई भी पार्टी करेगी, जैसे आजकल तो पॉलिटिशियंस हो रहे हैं कि दूसरे के काम में टांग अड़ा देते हैं, कोई सही भी करने जा रहा होगा तो दूसरा बंदा आके टांग अड़ा देगा कि नहीं ये नहीं होगा, तो कोई भी पार्टी आ जाए वही कर देगी सारा, कोई भी पार्टी बहुमत से आ जाए तो।